पवन भैया लंदन जा चुके हैं, लंदन में भैया की मूवी भी शूटिंग स्टार्ट हो गया है। भैया जब तक वहाँ रहेंगे कौन कौन सा ब्लास्ट जो है गाना भैया गाने वाला है? ये वो राजा आदमी है, वो जो अपने मुंह से गा देते हैं, जो उनके चीज निकल जाती है वो या गाना हो या डायलॉग हो, गाने नहीं आते हैं तो डायलॉग ट्रेंड करते हैं। अब ये गाना आया है एक नंबर लोटा है यार वाला और दो नंबर लोटा है भतार वाला, क्या भक्ति भजन में इस टाइप के गाने आने चाहिए? क्या सोच के हमारे बड़े भाई गाए हैं? मान लीजिए कि हमारे घर में ही अगर हमारा कोई भाई गलती करता है, भाई ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ऋतिक भैया का भी फर्ज बनता है इस पर अपना राय दे। आप कुछ भी गाइएगा तो लोग सुनेंगे, लेकिन आपको उसमें क्या गाना है थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना। भाई से अपने विनती करेंगे कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए और शब्द चयन करके गीत को कोई भी गाना चाहिए। गलत तो गलत ही है, चाहे हमारा घर का आदमी करे या बाहर का आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, गलत को गलत कहने में क्या जाता है भाई। उस मूवी का क्या अपडेट है जिस फिल्म में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ ऋतिक भैया भी नजर आने वाले थे, सिंह इज फायर? हमारा ऑडियंस जो है बहुत बेसब्री से उस फिल्म को देखने का इंतजार कर रहा है, कब तक दिखा रहे हैं? देखिए फिल्म में कुछ तो डिले जरूर हो गया, क्योंकि हमारी जो मूवी की हीरोइन थी स्वर्गीय कांचा दुबे जी नहीं रही हमारे बीच। की शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई, की शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोवे ले रघुराई, अखिया खोला बबुआ हो अखिया खोला बबुआ, बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। कि लाई दी पियाजी बाजार के जाइब हम पहला सोमार के, हरी हरी साड़ी हम झार के आई राजा गंगा जल ढार के। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोडू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपर स्टार सिंगर ऋतिक सिंह जी हैं। ऋतिक भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और स्टार न्यूज के जितने भी देखने वाले हमारे भगवान रूपी श्रोता हैं सबको मेरा प्रणाम है। आप कैसे हैं भैया? हम भी बहुत अच्छे हैं। भैया ये गाना आपका रील्स पे बहुत ब्लास्ट कर रहा है, हरी हरी सारी हम झार के, ये आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है कि कोई भी गाने हम लोग करते हैं और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता है तो हमारे लिए वही सफलता है। अभी हाल ही में देख रहे हैं शिवानी सिंह जी कह रही थी कि हम देवघर के रास्ते में जा रहे थे ना तो ये गाना सुनने को मिल रहा था। हाँ वो हमारी प्यारी क्यूट सी बहन है, बहुत अच्छी गाती है और शायद वो कोई अब परिचय के मोहताज नहीं है। अच्छा लगता है हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। और इस गाने को भैया ऑडियंस ने इतना भर भर के प्यार दिया, जो ऋतिक भैया हर बार कहते थे ना, बहुत बार इंटरव्यू के माध्यम से कहते थे कि भाई हम बड़े सुपर स्टार नहीं है क्योंकि हमारा गाना नहीं बजा हुआ है, लेकिन अब ऋतिक भैया का गाना जो है जमीनी स्तर पर यह सुनने को मिल रहा है। नहीं आज भी हम कोई बड़े सुपर स्टार नहीं, और मुझे बुरा लगता है कि आप लोग सुपर स्टार बोलते हैं। भैया आप नहीं मानते हैं लेकिन हम लोग मानते हैं ना, दुनिया मानती है कि ऋतिक भैया भी भोजपुरी के एक स्तंभ है। मैं दुनिया का सारे अपने ऑडियंस का मैं एक छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ और आजीवन मैं वही बन के रहना चाहता हूँ, हमेशा उन लोगों के गोद में खेलना चाहता हूँ। भैया अभी कितने गाने की जो है रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे ऑडियंस को और कौन कौन सा ब्लास्ट सॉन्ग जो है देखने को मिलने वाला है? बहुत सारे गाने हैं। देखिए जब आदमी इस लाइन में आ गया, कदम रख दिया है, तब तो कोशिश यही है कि या तो यहीं मर जाना है। जितना मेहनत होता है आदमी करता है और बाकी आप लोगों का प्यार हर दिन गाने बन ही रहे आ ही रहे। भैया ये गाना ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है तो चाहेंगे भैया दो लाइन गुनगुना दीजिए। क्या देख ही रहे हैं, मेरा चेहरा फेस तबीयत सही नहीं है, क्या गुनगुनाए इसमें। हम लाइन था उसमें लड़की का लाइन पंच था कि लाई दी पिया जी बाजार के जाइब हम पहला सोमार के, हरी हरी साड़ी हम झार के आई राजा गंगा जल ढार के। भैया ये गाना माफी चाहेंगे, गा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा देख रहे हैं हम लोग ऋतिक भैया का थोड़ा सा तबीयत खराब है। देखिए ना सामने ही है, थोड़ा क्या है, फिर भी रिक्वेस्ट किए हैं कि भैया आइए दो लाइन इस पे चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल। भैया अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है आने वाले हैं और कब तक हमारे ऑडियंस को जो है अगला गाना देखने को मिल रहा है? अभी सावन ही है, उसके बाद जैसे सावन नज़दीक आएगा आदमी लोकगीत की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद देवी गीत की तैयारी चल रही है। मतलब देवी गीत के बाद जो है तुरंत लोकगीत का तैयारी जो है हो जाएगा? इस बीच में लोकगीत तो आएंगे ही, उसके बाद देवी गीत की तैयारी चल रही है, मतलब स्टार्ट हो गई है। लोकगीत तो आदमी करके रखा हुआ है, सावन जैसे आएगा नज़दीक, सावन जैसे खत्म होगा तुरंत लोकगीत करना। हाँ ज़्यादा टाइम नहीं है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें किया जाएगा। भैया अभी कितने सावन के गीत जो है अभी रिलीज होने के लिए बाकी है हमारे ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? तीन गाना और बाकी हैं। तीन गाना यानी कि अभी तीन गो ब्लास्ट और ऋतिक भैया रखे हैं। देखिए अब तो आदमी किया है, अब आगे आप लोगों का प्यार से बाद आप ही लोग
कोई बड़ा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में पवन भैया लंदन जा चुके हैं, लंदन में भैया की मूवी भी शूटिंग स्टार्ट हो गया है। भैया जब तक वहाँ रहेंगे कौन कौन सा ब्लास्ट जो है गाना भैया का आने वाला है? देखिए, भैया का क्या ब्लास्ट, क्या वो चीज़, वो राजा आदमी है, वो जो अपने मुंह से गा देते हैं, जो उनके चीज़ निकल जाती है, वो या गाना हो या डायलॉग हो, गाने नहीं आते हैं तो डायलॉग ट्रेंड करते हैं। देखते हैं भैया का स्टेज पे बोला हुआ डायलॉग भी ट्रेंडिंग में आ जाता है। स्टेज तो दूर की बात है, लाइव ट्रेंड करता है भाई। अगर आपके हमारे बीच कोई बातें बोल देते हैं तो वो ट्रेंड करता है, तो उनका बात ही क्या कहना। उनके गाने आते हैं और ऑडियंस का इतना प्यार आशीर्वाद, भगवान का इतना प्यार आशीर्वाद उनको मिलता है कि आदमी निःशब्द है। भैया उस मूवी का क्या अपडेट है जिस फिल्म में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ ऋतिक भैया भी नजर आने वाले थे, सिंग इज फायर? हमारा ऑडियंस जो है बहुत बेसब्री से उस फिल्म को देखने का इंतजार कर रहा है, कब तक दिखा रहे हैं? देखिए, फिल्म में कुछ तो डिले जरूर हो गया, क्योंकि हमारी जो फिल्म की जो मूवी की हीरोइन थी स्वर्गीय कांचा दुबे जी नहीं रही हमारे बीच, थोड़ा बहुत थोड़ा इधर उधर हो गया चीज़ें, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ठंडे में देखने को मिलेगा, यानी कि इस ठंडी में जो है ऑडियंस को देखने को मिल जाएगा, उम्मीद है। थोड़ा आदमी डगमगा नहीं जाता है, कोई भी चीज़ अगर आदमी अचानक से निकल जाए तो चीज़ें हो जाए, लड़खड़ा जाता है, तो सब सारी चीज़ें बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। और भैया उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? देखिए, उसके बाद मैंने तो अब एक ही में काम किया है, अब काम क्या, एक भैया का आदेश था, और जो प्रोड्यूसर थे हमारे आयुष भैया, डायरेक्टर मनोज नारायण सर, सबका वो था कि भाई भी ट्राई करे, ट्राई करने से सब कुछ होता है, तो मैंने ट्राई किया है। क्या कैसे होता है, आदमी जब बचपन में था तो सोचता था कि कैमरा पे आदमी कैसे कर पाएगा, तो आदमी छोटे कैमरे पे काम किया कभी। अब वो समय था कि बड़ा कैमरा हमारे लिए, वो क्या कौन कौन सा कैमरा था मुझे याद भी नहीं है, तो उसका एक अनुभव मुझे लेना था कि हाँ ये होता क्या है, आदमी कैसे करते हैं, कैसे डबिंग होता है, कैसे आदमी वहाँ शूट करते हैं, तो सब सारी चीज़ों को नॉलेज हुई। अब बाकी उससे बेहतर अगले फिल्म जब मुझे मिलेगा तो उससे बेहतर कर पाएंगे ना हम। अच्छा, ये फिल्म जब कर रहे थे तो ऋतिक भैया कितना नर्वस थे कि भाई पवन भैया के साथ में किसी फिल्म में काम कर रहे हैं, कितना नर्वस थे ऋतिक भैया? देखिए, नर्वस तो कोई भी हो जाएगा भाई, उनके साथ पहली बार काम करना, मंच भी पहली बार मैंने किया था, तो उन्होंने ही बोला कि हाथ रखो तो बोलते फीता काटे जाता, तो एक भैया का, उनसे मैं 15-16 साल छोटा हूँ, तो एक बाप का फर्ज हमेशा से वो निभाए हैं, वो इतना प्यार दिए हैं छोटे से, बचपन से आज तक खिलाए हम लोगों को, तो उनके सामने कोई भी चीज़ करने मतलब बहुत कठिन हो जाता है, तो उन्होंने हिम्मत दिया मुझे, भैया सपोर्ट किया, करो, कोई भी चीज़ गलती होती थी तुरंत समझाते थे कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो और क्या चाहिए यार उनसे, उनका इतना ही प्यार आशीर्वाद काफ़ी है जिंदगी जीने के लिए। अच्छा भैया, अभी हाल ही में एक गाना आया है, चाहेंगे आप इस पर अपना राय जो है ज़रूर दें। अभी एक गाना आया है, एक नंबर लोटा है यार वाला और दो नंबर लोटा है भतार वाला, क्या भक्ति भजन में इस टाइप के गाने आने चाहिए? देखिए, इन सब चीज़ों पे तो बोलना अब सही नहीं, क्योंकि देखिए सारे लोग अब हम लोग एक हो चुके हैं, और कंट्रोवर्सी कोई चीज़ को लाना अब सही नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना पर्सनल चीज़ें हैं, अब वो क्या सोच के हमारे बड़े भाई गाए हैं उनसे पूछिएगा, ये सब चीज़ तो ज़्यादा बेहतर होगा, हम इस बारे में क्या डिटेल्स दे सकते हैं आपको, क्या बता सकते हैं। लेकिन भैया, एक भोजपुरी के अच्छे, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि इस पर अपने बात ही रखें कि हाँ भाई, अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि हमारे घर में ही अगर हमारा कोई भाई गलती करता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि नहीं भाई, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ऋतिक भैया का भी फ़र्ज बनता है इस पर अपना राय दे कि ये गाना गलत है, ऐसा गाना नहीं आना चाहिए, भले हमारे बड़े भाई ने गलती किया तो गलती तो गलती ही है। देखिए, हमारे भोजपुरी के वो गरिमा है, मान सम्मान है, बड़े भाई हैं, छोटे भाई के नाते तो मैं यही बोल सकता हूँ कि ये सब चीज़ों से तो बचना ही चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उस जगह पे हैं कि आप कुछ भी गाइएगा तो लोग सुनेंगे, लेकिन आपको उसमें क्या गाना है थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ना। देखिए, हम छोटे कलाकार जो हैं, जो हम लोग अभी नए स्टार्ट किए हैं, तो आदमी कुछ भी गाएगा तो आपका वो फ़र्ज बनता है कि हाँ, हमारे छोटे भाई को समझाना है, कहाँ भाई ये चीज़ नहीं, हम लोगों से वो सब गलती होगी तो लोग चलो थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग उस लेवल पे हैं, उस जगह पे हैं कि आप लोग इस तरह से करिएगा तो हम जैसे छोटे कलाकारों को भी रास्ता गलत दिखेगा, गलत मिलेगा, तो हम तो यही भाई से अपने विनती करेंगे कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए, और शब्द चयन करके गीत को कोई भी गाना चाहिए।
गलत तो गलत ही है, चाहे हमारा घर का आदमी करे या बाहर का आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, गलत को गलत कहने में क्या जाता है भाई, लेकिन हो जाता है। वो अब वो क्या सोच के गाए हैं उनसे पूछिएगा तो अपने वो चीज़ों को डिटेल्स देंगे, लेकिन हम छोटे भाई के नाते हम तो यही बोलेंगे कि आप उस जगह पे हैं, थोड़ा सा आपको शब्द को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ऋतिक भैया, चाहेंगे आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आपका तबीयत खराब है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। अंततः भैया एक गाना दो लाइन गुनगुना। कि शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोबे ले रघुराई, कि शक्ति बहन लगल लक्ष्मण के रोबे ले रघुराई, अखिया खोला बबुआ हो अखिया खोला बबुआ, बोलब के छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। चलिए ऋतिक भैया आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।